हिंदुस्तान इंडिया, आगे देश महान क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि यहाँ की आबादी 138 करोड़ है, या फिर विमेन एम्पावरमेंट की वजह से, गरीबी की वजह से, डीमोनेटाइजेशन की वजह से, या फिर नेपोटिज्म की वजह से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आइए इस नुक्कड़ नाटक के जरिए इन सवालों के जवाब तलाशें। पता है आज मेरी बेटी आ रही है विदेश से, मैं जल्दी से उसकी पसंद का सारा खाना बना लेती हूँ। अरे भाग्यवान, इतनी तैयारी किस खुशी में? किस खुशी में? किस खुशी में? तुम तो बुढ़ापे में पूरे सटिया गए हो, भूल गए आज बेटी आ रही है विदेश से। लेकिन उसे तेरे हाथ का बना देसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उसे तो पसंद है कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, इटालियन। चुप करो, तुम भूल गए हमारे देश के मसालों में जो स्वाद है ना, वो तुम्हारे मैक्सिकन, इटालियन और वो क्या कहते तुम अपनी भाषा में, कॉन्टिनेंटल, उसमें तो बिल्कुल नहीं है। लगता है बेटी आ गई है। आओ गुड़िया, कैसे हो? अच्छी हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा रहा तुम्हारा सफर? अच्छा रहा। जीती रहो। बड़ों का सम्मान है, यही भारत की पहचान है, यही भारत की पहचान है। और गुड़िया, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम वहाँ पर? अच्छा चल रहा है पापा, पर सोच रही थी कि नेक्स्ट संडे वापस चली जाऊँ। क्यों बेटा, अगर तुम 2-3 दिन और रुकती तो तुम्हारी माँ को अच्छा लगता। नहीं नहीं पापा, वहाँ मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, मैं तो सोची थी आप और मम्मा भी मेरे साथ चलते। नहीं नहीं, हम यही ठीक है। क्यों पापा, वहाँ मेरी अच्छी जॉब है, सारी फैसिलिटीज है, आखिर रखा ही क्या है इंडिया में? देखो गुड़िया, जो मिट्टी की खुशबू, जो अपनापन, जो लगाव मेरे भारत देश में है, वो मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आओ अब मैं तुम्हें पार्क ले चलता हूँ। जी पापा। पापा बोलो बेटा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो गुड़िया, ये योग है, भारत के ऋषि मुनियों द्वारा विश्व को दिया गया एक महत्वपूर्ण उपहार। अरे बाबूजी, आओ आओ चाय पी लो। चलो चाय पीते हैं। राम राम भाई। राम राम, राम, राम बाबूजी। राम राम। और राजू की हाल है? बढ़िया बाबूजी, बढ़िया। राजू 3 चाय लगा दे। ओ बाबूजी। आओ गुड़िया, आज मैं तुम्हें अपने शहर की मशहूर चाय पिलाता हूँ। जी पापा। आओ मेहता साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मेहता साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। अच्छा, यहाँ तो सभी प्रांतों के लोग हैं। बेटा मेरी दुकान पे तो सब एक समान है। यही भारत की पहचान है, यही भारत की पहचान है। यार राजू, दो चाय लगा दे। हो बाबूजी। पापा मैं चाय नहीं पीती, मैं ग्रीन टी पीती हूँ। अरे बेटा, बी से बर्थ के बाद, बी से डेथ के पहले, सी से तो चाय ही आता है। वाह राजू वाह, क्या बात बोली है, क्या बात बोली है, क्या बात बोली है। बेटा मेरे हाथ की बनी चाय पी के तो देखो, मजा ही आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। भारत अनेक भाषाओं का देश है, यहाँ हर 10 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती हैं। भाषा में बसती जान है, यही भारत की पहचान है, यही भारत की पहचान है। देखो गुड़िया, तुम्हारे चाचा जी आए हैं। हैप्पी होली चाचा जी। हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली। राम राम मेहता साहब, राम राम। राम राम जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। देखा गुड़िया, ये है मेरा भारत, यहाँ पर हर धर्म के लोग एक साथ परिवार की तरह हर त्योहार मनाते हैं। हाँ भारत तो सच में त्योहारों का देश है। पापा बोलो बेटा, क्या यही रीजन है कि आप इंडिया छोड़कर मेरे साथ चलना नहीं चाहते? हाँ गुड़िया, और ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से मुझे अपने देश पर गर्व है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। जब जियो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, बेटा ना दशमलव भारत तो, तू चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, अंदाजा लगाना मुश्किल था। यहाँ टूथपेस्ट में नमक भले ही ना हो, पर हर भारतीय में देश का नमक जरूर होता है। यहाँ खेल सिर्फ खेल नहीं, ये धर्म है या जुनून। भारतीय संस्कृति में अतिथि का दर्जा पूजनीय है। हमारे यहाँ एक कहावत अति प्रचलित है, साय इतना दीजिए जामे को तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी फौज भारत की ही है, और US में काम करने वाले अधिकतर साइंटिस्ट एवं डॉक्टर भारतीय हैं। इसरो ने देश के सबसे भारी रॉकेट GDLV-MR3 लॉन्च किया था। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत।